दोस्तों जरा सोच कर देखिए, अगर अचानक से तुम्हें पता चले कि तुम्हारा स्कूल टीचर एक मार्शल आर्टिस्ट है और वो अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइटर का मार मार कर बुरा हाल कर दे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। और किस तरह हमारी फिल्म का हीरो अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम में टॉप करवाता है, इसका पता हमें वीडियो में आगे चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकंड, लेट्स बिगिन दी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें हेनरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। अमेरिकी सेना से रिटायर होने के बाद हेनरी एक टीचर के तौर पर अपने नए कैरियर की शुरुआत करना चाहता है, इसीलिए वो एक स्कूल में टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल हेनरी के डॉक्यूमेंट्स देखकर उसे बताता है कि तुम्हें बतौर टीचर काम करने का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अपने हायर ऑफिशियल्स का रिकमेंडेशन लेटर दिखाने पर प्रिंसिपल हेनरी को टीचर की जॉब दे देता है और उसे बताता है कि तुम्हें स्कूल के अंदर जिस क्लास को पढ़ाना है उसमें स्कूल के सबसे शरारती बच्चे पढ़ते हैं। अगले दिन सुबह हेनरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है और देखता है कि सभी बच्चे अपनी ही धुन में मस्त हैं। कुछ बच्चे स्टोव पर मैगी बना रहे हैं तो कुछ बच्चे गाना गाकर मस्ती कर रहे हैं और कुछ बच्चे तो क्लास में ही वीडियो गेम खेल रहे हैं। हेनरी के क्लास में आने पर सभी बच्चे उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, जैसे कि वो क्लास में हो ही ना। हेनरी सभी स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर अपना नाम और मोबाइल नंबर बोर्ड पर लिख देता है। हेनरी की खराब हैंडराइटिंग देखकर सभी स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कुछ बच्चे तो उसके मोबाइल पर कॉल करके उसे क्लास से बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स दोबारा से हेनरी को इग्नोर करते हुए अपनी एक्टिविटीज में फिर से बिजी हो जाते हैं। तभी हेनरी एक रबर बैंड और चौक की मदद से क्लास में लगे फायर स्प्रिंकलर को ऑन कर देता है, जिस वजह से क्लास में चारों तरफ पानी बरसने लगता है और सभी बच्चे पानी में भीग जाते हैं। फाइनली हेनरी सभी बच्चों का अटेंशन पाने में कामयाब हो जाता है और ऑफिशियली सभी का वेलकम करता है। क्लास खत्म होने के बाद हेनरी की क्लास के 5 स्टूडेंट्स स्मोक करने के लिए सप्लाई रूम में जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो 5 स्टूडेंट्स बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैक नाम का एक लड़का स्कूल के अंदर ए ग्रेड में पढ़ने वाली एक लड़की से बहुत प्यार करता है और वो अक्सर अपने मोबाइल पर उसकी फोटोज देखता रहता है। जैक के दोस्त मोबाइल में अपनी होने वाली भाभी का फोटो देखकर उसे छेड़ने लगते हैं। तभी स्कूल की बास्केटबॉल टीम के कुछ अमीर स्टूडेंट्स सप्लाई रूम में आकर जैक और उसके साथियों के गरीब होने का मजाक बनाते हैं। इसके बाद बास्केटबॉल टीम के स्टूडेंट्स मैच खेलने की प्रैक्टिस करने लगते हैं और जैक उनसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट पर कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल लुढ़का देता है। पैरों के नीचे बोतल आने की वजह से टीम का कैप्टन धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। ये देखकर जैक और उसके साथियों को बड़ा मजा आता है। कुछ दिनों बाद एजुकेशन बोर्ड के मेंबर्स स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि स्कूल को मिलने वाले फंड्स किस तरह खर्च हो रहे हैं। स्कूल के अंदर काफी इनडिसिप्लिन देखकर एजुकेशन बोर्ड स्कूल को मिलने वाले फंड्स में 20% की कटौती कर देता है, जिस वजह से प्रिंसिपल थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वहीं हेनरी क्लास के दौरान जैक से उसका सिगरेट पैकेट मांगता है और जूफा नाम के एक स्टूडेंट से पूछता है कि बताओ सिगरेट के अंदर कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। जैसे ही जूफा हेनरी के सवाल का सही जवाब देता है तो इनाम के तौर पर हेनरी उसे आज का पूरा दिन स्कूल बंक करने की परमिशन दे देता है, जिस वजह से बाकी स्टूडेंट्स भी हेनरी से स्कूल बंक करने की परमिशन मांगने लगते हैं। हेनरी सभी स्टूडेंट्स को एक एक सिगरेट देता है और उन्हें उसे एनालाइज करने के लिए कहता है। हेनरी इस बात को अच्छे से जानता है, अगर वो सिगरेट से होने वाले नुकसान को सीधे सीधे समझाने की कोशिश करेगा तो कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेगा। इसीलिए वो सभी स्टूडेंट से पूछता है कि बताओ सिगरेट पीने की वजह से कैसे हमारे लंग्स के अंदर टार बनता है। फाइनली हेनरी का आइडिया काम कर जाता है और पहली बार स्टूडेंट्स हेनरी की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद कैफेटेरिया में लंच करते वक्त बास्केटबॉल टीम का कैप्टन जैक के दोस्त ब्रूस को टांग अड़ाकर गिरा देता है, जिस वजह से जैक और उसके दोस्तों की बास्केटबॉल टीम वाले लड़कों के साथ फाइट शुरू हो जाती है और वो सभी आपस में लड़ते हुए पूरे कैफेटेरिया का सत्यानाश कर देते हैं। प्रिंसिपल हेनरी को बताता है कि मैंने तुम्हारी क्लास के 5 स्टूडेंट्स को स्कूल में लड़ाई करने की वजह से सस्पेंड कर दिया है। स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी जैक और उसके साथियों को फिर से बास्केटबॉल वाले लड़कों के साथ फाइट करता देख उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जैक हेनरी से कहता है कि स्कूल हमेशा से ही अमीर बच्चों का साथ देता है और गरीब स्टूडेंट्स को हमेशा सजा मिलती है, चाहे उनकी गलती हो या ना हो। हेनरी सस्पेंड होने वाले
ने पांचों स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड रूम से फाइल निकालकर उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करता है। उन पांचों में से जूफा नाम का स्टूडेंट एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा है और बीइंग अ मुस्लिम बचपन से ही उसके साथ हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। उसके पड़ोस में रहने वाले एक पुलिसमैन ने कई बार जूफा के ऊपर चोरी के झूठे इल्जाम भी लगाए हैं, लेकिन जूफा इन सब बातों को इग्नोर करते हुए एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता है। सेकेंड स्टूडेंट डीनन की फाइल देखने पर हेनरी को पता चलता है कि डीनन के पिता हमेशा से एक बेटा चाहते थे, इसीलिए डीनन के पैदा होने पर उन्हें जरा भी खुशी नहीं हुई। डीनन अपने पिता की नजरों में अपने लिए रेस्पेक्ट देखना चाहती है। उन्हें खुश करने के लिए वो लड़कों की तरह छोटे बाल रखती है और गाड़ियों के साथ खेलती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसके पिता उसकी जरा भी परवाह नहीं करते और अपने छोटे बेटे को एक राजकुमार की तरह प्यार करते हैं। वहीं ब्रूस और क्रिस नाम के दो भाइयों की फाइल देखने पर हेनरी को पता चलता है कि बचपन में ही उनकी माँ उन दोनों को और उनके पति को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से ब्रूस और क्रिस के पिता ने शराब पीना शुरू कर दिया और वो एक शराबी बन गए। उन दोनों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से ब्रूस को हर वक्त वीडियो गेम खेलने की बहुत ही तगड़ी लत लग गई और क्रिस घर का खर्चा चलाने के लिए बचपन से ही एक ग्रोसरी की दुकान पर काम करने लगा। इसके बाद हेनरी जब जैक के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता करने की कोशिश करता है तो उसे उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। वहीं हम जैक को एक रेस्टोरेंट के अंदर वेटर का काम करते हुए देखते हैं। तभी रेस्टोरेंट के अंदर बॉक्सिंग फाइट पर सट्टा लगवाने वाले एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसका नाम मार्को है। जैक मार्को का फैंसी लाइटर चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। मार्को के आदमी जैक की पिटाई लगाने लगते हैं। जैक का आईडी कार्ड देखने पर मार्को को पता चलता है कि वो एक स्टूडेंट है, इसीलिए मार्को जैक को कुछ पैसे देकर अपने फाइट क्लब में फूड डिलीवरी बॉय की जॉब ऑफर करता है। एक दिन हेनरी जूफा से मिलने के लिए उसके घर जाता है और देखता है कि जूफा के पिता और कुछ लोग जूफा का पीछा कर रहे हैं। हेनरी जूफा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जूफा एक टिकट चुराकर भाग रहा था तो हेनरी जूफा के पिता का साथ देता है। इसके बाद हेनरी जूफा को मोटिवेट करने के लिए सड़क पर सबके सामने गिटार बजाकर गाना गाने लगता है। ये देखकर जूफा भी हेनरी के साथ पहली बार लोगों के सामने खुलकर गाता है और ऐसा करते हुए उसे बहुत खुशी होती है। अगले दिन हेनरी ब्रूस और क्रिस के पिता से मिलने जाता है और वो उन्हें अपने बच्चों की खातिर रिहैबिलिटेशन सेंटर जाने की सलाह देता है ताकि उनकी शराब पीने की लत छूट सके। वहीं हम देखते हैं कि डीनन के पिता उसके लिए एक मेकअप किट लेकर आते हैं, जिस वजह से डीनन काफी भड़क जाती है क्योंकि वो उसे बार बार ये एहसास करवाना चाहते हैं कि वो एक लड़की है जो कभी भी उन्हें एक बेटे जितनी खुशी नहीं दे सकती। डीनन गुस्से में सारा मेकअप अपने छोटे भाई के चेहरे पर पोत देती है और चुपके से कार की चाबी लेकर घर से बाहर निकल आती है। तभी हेनरी गाड़ी के सामने आकर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम गाड़ी चलाने के लिए अभी बहुत छोटी हो, साथ ही तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। हेनरी डीनन का मूड ठीक करने के लिए उसे कार रेस करवाने ले जाता है। तभी हमें पता चलता है कि हेनरी ने डीनन के पिता को भी कार रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है। इसके बाद डीनन और उसके पिता एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं और रेस लगाते हुए ट्रैक से हटकर मार्केट में पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हराने की बेजोड़ कोशिश करते हैं। तभी अचानक से एक ट्रक डीनन को टक्कर मार देता है। लकीली डीनन ट्रक के नीचे आने से बच जाती है, लेकिन इस बात से अनजान उसके पिता को लगता है कि वो मर गई है और वो बुरी तरह से रोने लगते हैं। अपने पिता को रोते हुए देख डीनन को एहसास होता है कि उसके पिता सच में उससे बहुत प्यार करते हैं और वो उन्हें अपने गले लगा लेती है। वहीं ब्रूस और क्रिस को स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स के साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर में रिकवरी कर रहे अल्कोहलिक लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा जाता है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को अपने ही फादर का इंटरव्यू लेना है। बाकी के स्टूडेंट्स इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि वो जिस आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं एक्चुअली में वो ब्रूस और क्रिस के पिता हैं। ब्रूस के पिता स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कई साल पहले मेरी वाइफ मुझे जिंदगी के सबसे कमजोर मोड़ पर अकेला छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से मैंने शराब पीना शुरू कर दिया और मैं ये भूल गया कि मुझे अपने दो छोटे बच्चों का ख्याल भी रखना है। वो अपने दोनों बेटों से बातों ही बातों में माफी मांगता है। अपने पिता की ये हालत देखकर उन दोनों को बहुत अफसोस होता है और वो रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जैक मार्को के लिए काम करना शुरू कर देता है। एक दिन मार्को जैक को एक फाइटर की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के लिए कहता है, जिसके बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। मार्को की बातों में आकर जैक उस फाइटर की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है, लेकिन उसे फाइटर का कोच पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो मार्को की सच्चाई सबको बता पाता, मार्को के आदमी उसकी पिटाई लगाने लगते हैं और उसे एक लॉकर के अंदर बंद कर देते हैं।
कुछ देर बाद हेनरी जैक को ढूंढता हुआ फाइट क्लब में पहुंच जाता है और वहां मौजूद लोगों से पूछता है कि किसी ने मेरे एक स्टूडेंट जैक को देखा है क्या। वो सभी लोग हेनरी को वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी हेनरी को जैक के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैक को बचाने के लिए हेनरी उन सभी लोगों पर अटैक कर देता है और सबकी अच्छे से धुलाई करता है। तभी मार्को का बेस्ट फाइटर, जिसे कुछ देर में फाइट लड़नी थी, हेनरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हेनरी बड़ी ही आसानी से उसका भी सुअर भर देता है। पूरे शहर में ये न्यूज फैल जाती है कि कैसे एक स्कूल टीचर ने अपने स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइटर का मार मार कर बुरा हाल कर दिया। स्कूल के बच्चों को जब इस बात का पता चलता है तो वो हेनरी की बहुत रेस्पेक्ट करने लगते हैं और क्लास में आने पर उसका वेलकम भी करते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि हेनरी बचपन में बहुत ही शरारती था और एक दिन वो पियानो बजा रहे एक स्टूडेंट के ऊपर वाटर बैलून फेंक कर उसका परफॉर्मेंस खराब कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और हेनरी उस लड़के का हाथ तोड़ देता है। इसके बाद हेनरी को स्कूल से निकाल दिया जाता है और वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला जाता है। मूवी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और हम हेनरी के स्टूडेंट्स को आने वाले कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के लिए जमकर मेहनत करते हुए देखते हैं, लेकिन वहीं ब्रूस को नशे की गोलियां खाने की आदत पड़ गई है, जिस वजह से पढ़ाई में उसका परफॉर्मेंस खराब होने लगता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। एक दिन ब्रूस बालकनी से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है। क्रिस और उसके पिता ब्रूस को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो कोमा में चला गया है। वहीं दूसरी ओर मीडिया ब्रूस की न्यूज को ट्विस्ट करके इस सब का जिम्मेदार उसके स्कूल और टीचर को बना देती है, जिस वजह से एजुकेशन बोर्ड हेनरी का टीचिंग लाइसेंस रद्द कर देता है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। हेनरी को स्कूल से जाता देख सभी स्टूडेंट्स काफी दुखी होते हैं, लेकिन हेनरी की गैर मौजूदगी में वो सभी कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होकर वो हेनरी को प्राउड फील करवा सकें और सबके सामने ये साबित कर सकें कि हेनरी एक बहुत अच्छा टीचर है। एग्जाम वाले दिन जैक और उसके सभी क्लासमेट्स को हेनरी का मैसेज मिलता है और उन्हें पता चलता है कि हेनरी ने सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम से ठीक एक घंटे पहले स्कूल में मिलने के लिए बुलाया है। सभी स्टूडेंट्स हेनरी से मिलने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सब मार्को की एक चाल थी ताकि वो उन सबको स्कूल के अंदर लॉक करके उन्हें एंट्रेंस टेस्ट देने से रोक सके। दरअसल मार्को ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो हेनरी को सबक सिखाकर अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। कुछ देर बाद हेनरी भी स्कूल पहुंच जाता है और उसे मार्को के पूरे प्लान के बारे में पता चल जाता है। हेनरी मार्को के सभी आदमियों की बुरी तरह से धुलाई करता है और सभी स्टूडेंट्स को छुड़ाकर एग्जाम देने के लिए भेज देता है। वहीं हेनरी और मार्को एक दूसरे के साथ 1-on-1 फाइट करने लगते हैं। तभी मार्को हेनरी को बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसका बचपन में तुमने हाथ तोड़ा था, जिस वजह से आज तक मैं किसी भी म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। सच्चाई जानने के बाद हेनरी मार्को को समझाने की कोशिश करता है कि वो सब बस एक हादसा था, लेकिन मार्को को हेनरी की बात समझ नहीं आती और वो लगातार उसके ऊपर अटैक करता रहता है। लड़ाई के दौरान हेनरी चाहता तो मार्को को जान से भी मार सकता था, लेकिन वो उससे अपने बचपन में की गई गलती की माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सभी स्टूडेंट्स समय रहते हुए एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं और अपना टेस्ट कंप्लीट करते हैं। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आने पर पता चलता है कि सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे नंबरों से कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट को पास कर लिया है और मार्को फिर से पियानो बजाने की प्रैक्टिस करने लगा है। वहीं दूसरी ओर ब्रूस भी कोमा से बाहर निकल आया है और वो नेक्स्ट ईयर कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से एजुकेशन बोर्ड कॉलेज को मिलने वाले फंड्स में 20% का इंक्रीमेंट कर देता है, जिस वजह से प्रिंसिपल को बहुत खुशी होती है। हेनरी को फिर से स्कूल में वापस बुला लिया जाता है और हम उसे नेक्स्ट बैच के ऊपर फिर से फायर स्प्रिंकलर वाली ट्रिक करते हुए देखते हैं और इसी के साथ इस शानदार मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आपके अपने फिल्मी बादशाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की मजेदार वीडियोस हम आपके पास तक आसानी से पहुंचाते रहें।